नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला गया। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को एक इनिंग्स रहते हुए 114 रनों से हरा दिया। इस मैच में एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड देखने को मिला जो शायद ही कभी आगे देखने को मिले। इस मैच के दूसरी पारी में जब वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी करने आई, तब इंग्लैंड के एक खिलाड़ी ने एक ही गेंद पर शतक, दोहरा शतक और तिहरा शतक बना डाला। दोस्तों, सुनने में ये बात अजीब लगती हो, पर ये सपना नहीं हकीकत है। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान और ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने इस टेस्ट मैच के दूसरी पारी में 2 विकेट निकाला। बेन स्टोक्स ने अपने पहले ही ओवर में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज क्रिक मैकेंजी को आउट कर दिया और इसी के साथ बेन स्टोक्स ने एक ही गेंद पर शतक, दोहरा शतक और तिहरा शतक बना डाला। दोस्तों, वो कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल ये विकेट बेन स्टोक्स का टेस्ट क्रिकेट में 200वां विकेट था और इंग्लैंड के धरती पर ये उनका 100वां विकेट। इतना ही नहीं, ये विकेट बेन स्टोक्स का इंटरनेशनल क्रिकेट में 300वां विकेट था। यानी एक विकेट के साथ बेन स्टोक्स ने एक नहीं, तीन तीन खास उपलब्धियां हासिल कर। बेन स्टोक्स के लिए क्रिक मैकेंजी का विकेट बहुत ही खास रहा है। बेन स्टोक्स इस विकेट के साथ वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर गैरी सोबर्स और साउथ अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक कालिस के क्लब में शामिल हो गए हैं। बेन स्टोक्स टेस्ट क्रिकेट में बतौर बल्लेबाज 6000 रन और बतौर गेंदबाज 200 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे और इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। बेन स्टोक्स ने अभी तक इंग्लैंड के लिए 103 टेस्ट मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 200 से ज्यादा विकेट और बल्लेबाजी में 35.30 की बैटिंग एवरेज के साथ 6320 रन बनाया है। बेन स्टोक्स ने टेस्ट में 13 शतक भी लगाया है।